ऐसा धर्मो सनातना, अर्थात सिर्फ सनातन ही धर्म है और धर्म वही है जो धारण योग्य है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। धर्म वही है जिसे धारण किया जा सके, और ऐसे भी बोला जाता है कि धारयत इति धर्मः, और धारण उससे ही करते हैं जो बुद्धि की कसौटी पर खरा उतरे। हमारा शेष सनातन धर्म पूरी तरह से तर्क और विज्ञान पर आधारित है। हालांकि कई दशकों से सनातन परंपराओं को धक्यानुसार साबित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उदय इंडिया डिजिटल ने सनातन धर्म की वैज्ञानिक पक्ष को दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। सनातन धर्म के विज्ञान आधारित होने का सबूत चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। जैसे कि लोग दिवाली में दिया जलाने पर सवाल भी उठा लेते हैं, लेकिन सबको पता है कि दिवाली का त्योहार बरसात के बाद ही आता है, जब कीड़े मकोड़े की भरमार होती है। लेकिन दिवाली की सफाई और दीपों की रोशनी में ये सारे कीड़े मकोड़े भस्म हो जाते हैं। आम जनता को समझाने के लिए इन वैज्ञानिक तथ्यों को परंपराओं में शामिल कर दिया गया है। इसी कड़ी में हम भारत में स्थापित ज्योतिर्लिंग मंदिरों को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भारत सरकार की परमाणु भट्टी के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग स्थलों में सर्वाधिक विकिरण यानी रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। दोस्तों, दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो भारत के ज्योतिर्लिंग परमाणु भट्टियों जैसा है, इसलिए उन पर जल चढ़ाने की परंपरा बनाए गए हैं, जिससे कि वो शांत रहे। हम आपको बता दें कि शिव को प्रिय पदार्थ जैसे मानो कि बेलपत्र हो, दतुरा हो, मंदार हो, गंगा जल हो, गुड़ आदि सारे, ये सभी परमाणु ऊर्जा सोखने वाले हैं। और इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसलिए जलहरी को लांघा नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर भाभा परमाणु भट्टी या पाकिस्तान के कोहुटा न्यूक्लियर रिएक्टर को ले लीजिए, तो सबकी संरचना आप देखेंगे बिल्कुल शिवलिंग जैसा ही है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जब किसी नदी या नहर या बहते पानी के स्रोत तक पहुंचाते हैं तो औषधि का वो रूप धारण कर लेता है, जो कि बताया है कि हमारी परंपराओं के पीछे छिपा विज्ञान कितना गहरा है, कितना गहरा था उस समय से। और इसके अलावा एक बात और भी है जो ये बताता है कि सनातन परंपराओं का निर्माण करने वाले हमारा ऋषि मुनि वास्तव में वैज्ञानिक ही थे, जिन्होंने वैज्ञानिक सूत्र को परंपराओं में डालकर हमारा जीवन को सुचारू बनाया, जिससे कि हम भारतीय हमेशा वैज्ञानिक जीवन जीते रहे। और आपको मित्रों जानकर हैरानी हो जाएगी कि भारत में केदारनाथ से रामेश्वरम तक सभी ज्योतिर्लिंग एक ही सीधी रेखा में बनी हुई है। हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कौन सी विज्ञान या ऐसा कौन से तकनीक थी जो आधुनिक विज्ञान अब तक समझ भी नहीं पाया है?
उत्तराखंड की केदारनाथ, तेलंगाना की कालेश्वर, आंध्र प्रदेश की कालेश्वर, तमिलनाडु के एकंबरेश्वर और अंत में रामेश्वर मंदिर 79 डिग्री ईस्ट 41/54 की सीधा रेखा में बने हुए हैं मित्रों। ये पांचों मंदिर पंच तत्वों को प्रदर्शित करता है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में पंचभूत कहते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच सिद्धांतों के आधार पर इन पांच सिंह शिवलिंग की स्थापना की गई है मित्रों। इसमें से तिरुवेनेकवाल मंदिर में पानी का प्रतिनिधित्व है, आग का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलाई में है, कालहस्ती में वायु तत्वों की प्रधान है, जबकि कांचीपुरम में शिवलिंग का पृथ्वी तत्व है, जबकि एकंबरेश्वरम मंदिर आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इन मंदिरों का निर्माण हजार साल पहले हुआ था, जब इन स्थलों के आकांक्षाओं को मापने के लिए उपग्रह टेक्निक भी उपलब्ध नहीं थी। तो फिर पांच मंदिर इतने सटीक कैसे स्थापित हो गई मित्रों? इसका उत्तर तो स्वयं महादेव ही जानते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। केदारनाथ और रामेश्वरम की सड़क मार्ग से दूरी 3202 किलोमीटर है, जबकि एरियल डिस्टेंस जो है 2383 किलोमीटर है, लेकिन ये सभी मंदिर लगभग एक समानांतर रेखा में है। ये आज भी एक रहस्य है कि किस टेक्निक से इन मंदिरों का निर्माण हजार साल पहले समानांतर रेखाओं में किया गया था। बड़ा आश्चर्य का विषय है और गर्व की बात है दोस्तों। सनातन धर्म में हजार वर्षों से उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, इसीलिए उज्जैन में सूर्य और ज्योतिष की गणना के लिए लगभग 2050 वर्ष पूर्व मानव निर्मित उपकरण बनाए गए थे। जब एक अंग्रेज वैज्ञानिकों ने 100 साल पहले पृथ्वी पर एक काल्पनिक कर्क रेखा बनाए, तो उसका मध्य भाग उज्जैन से ही गुजरा है। उज्जैन में आज भी वैज्ञानिक सूर्य अंतरिक्ष की जानकारी लेने आते हैं। चौथी शताब्दी में लिखे गए खगोलीय ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार उज्जैन ठीक उसी स्थान पर है जहां देशांतर का शून्य, मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं, और यही कारण है कि इसे पृथ्वी की नाभि भी माना जाता था और इसे भारत का ग्रीन बीच भी कहा जाता है। उज्जैन का समय के साथ मिलन कोई संयोग नहीं है। उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान और गणित का एक प्रमुख केंद्र था। भारत में ज्योतिष जो गणित पर आधारित है और इसे वेदांग यानी वेदों का हिस्सा भी कहा गया है। खगोल विज्ञान पर एक प्राचीन ज्योतिष अध्याय के अनुसार ग्रहों की स्थिति का ज्ञान के लिए समय रखना आवश्यक था, जो वैदिक अनुष्ठान के लिए शुभ दिन या समय की भविष्यवाणी करने के लिए भी जरूरी था। प्राचीन काल में ब्राह्मीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे खगोल वेदोर्भित ने भी उज्जैन को अपना घर बनाया था। उज्जैन के शासक महान राजा विक्रमादित्य ने शकों को खदेड़ दिया था और लगभग 58 से 56 बीसी में एक नए युग विक्रम संवत या उज्जैन कैलेंडर की शुरुआत की थी, और जिसके आधार पर आज भी भारत में जन कुंडलियां का निर्माण किया जाता है दोस्तों।
भारत में सनातन धर्म की वैज्ञानिक आधार को भ्रम और धोखे की रेत से डंग दिया गया है। लेकिन शास्त्रार्थ भारत की पुरानी परंपरा है और रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए तो आप उनसे ऊपर बताए गए ये तथ्य सब बताइए कि इसके आधार पर आप भी बहस कर सकते हैं जो अभी हमने बताया आपको। क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म को रक्षा करता है धर्म उससे बचाता है। यह सनातन धर्म की एक गूढ़ ज्ञान है। मित्रों, सनातन धर्म की एक ऐसा विषय आज हम आपके सामने रखा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप कहीं भी है, चाहे देश में है विदेश में है, अगर कोई हमारा शास्त्र के बारे में, हमारा ज्योतिषाचार्य के बारे में, हमारा गणित के बारे में, जो हमारा वेदों में शास्त्रों में वर्णित है, उसके ऊपर अगर कोई भी उलट पलट बात करता है तो आप इन विषयों को ध्यान से पढ़िए, जानिए और सबके सामने अपना तर्क भी रखिए। भारतीयता का शंखनाद में हम ऐसे बातें पहले भी रखे थे, आगे भी रखेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना। इस तरह से भारत की परंपरा गूढ़ ज्ञान को जानने के लिए आप लोग उदय इंडिया से जरूर जुड़े रहिए और अपने आप को अपडेट्स रखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। वंदे मातरम।